अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। मैं हूँ अंकली। आज मैं देखने वाली हूँ एक ही बहुत ही खूबसूरत नात, और आज ये सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत नात है और इसका टाइटल है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। और आप जो भी रिकमेंड करेंगे न्यू वीडियो, मैं उस पर रिएक्शन ज़रूर करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, या इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप मुझे लिंक सेंड कर दिया करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो कि आखिर आप रिकमेंड करते हैं बट मुझे वो नहीं मिल पाती उस टाइटल से। तो पहले एक भाई मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे एक वीडियो के, जो के वो बयान जो हज़रत अली का, जो कि इंसान कबूल नहीं करता है, वो मैंने काफ़ी सर्च की। सॉरी सॉरी भाई, वो मुझे नहीं मिली है और मैंने उसके बारे में काफ़ी सर्च किया है और वो एग्जैक्ट वीडियो नहीं मिल पा रही है। उसके टाइटल से और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट अगर आप कह रहे थे कि मैंने वो लिंक सेंड किया है बट वो मुझे लिंक नहीं मिल पाया, आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आपने वो लिंक कहाँ सेंड किया है। और अगर नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर आप उस वीडियो का लिंक सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं उस पर रिएक्शन ज़रूर करूँगी। तो ये वीडियो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मदीना 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 मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आजम पे जिसकी बड़ी शान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। ये शहर मुस्तफा है, ये शहर मुस्तफा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है मदीना करीम है। क्यों ना करीम हो ये के आका करीम का, क्यों ना करीम हो ये के आका करीम का, मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है मदीना करीम है, सबको निभा रहा है मदीना करीम है। मदीना 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 फैगरी
کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ میری مدینہ 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 میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا، لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا۔ میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے۔ یہ ظرف لاجواب کرم بے مثال ہے، یہ ظرف لاجواب کرم بے مثال ہے۔ مجھ جیسا آ گیا ہے، مجھ جیسا آ گیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے۔ کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد، کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد، سب کچھ تو دے دیا ہے، سب کچھ تو دے دیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے۔ میری مدینہ 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 میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میری مدینہ 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 میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ یہ نعت بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی جو آواز ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔
और ये नात थोड़ी पुरानी है, लेकिन उस इन्होंने न्यू दोबारा इसको पढ़ा है और न्यू वर्जन है ये उस नात का, और बहुत ही अच्छी नात माशाल्लाह, और बहुत अच्छी इसमें जो तारीफ की गई, लिरिक्स बहुत अच्छे, इनके जो मतलब सुर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और इनकी नात बहुत, इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, और इसमें मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि लब खोलने से पहले आका ने दे दिया, मेरा भी तजर्बा है मदीना करीम है। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद वहाँ गई हूँ और मेरा भी तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मदीना करीम है, आका दो जहाँ के आका दो जहाँ के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जितनी हमारे प्यारे आखिरी नबी के लिए, उनके लिए तो जान भी कुर्बान है, और उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और उनकी तारीफ हम उस तरह से बयान ही नहीं कर सकते, और उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है। और वहाँ पर जाना और मदीने की ज़ियारत करना, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मुझे अदा किया। और मैंने लास्ट वीडियो जो नात की बनाई थी उसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई हैं कि किस तरह से मैं गई और वहाँ क्या मेरी फीलिंग्स थी, आते हुए क्या फीलिंग्स थी, बहुत रोई थी आते हुए भी, और रियाजुल जन्ना में जाना दो बार अल्लाह ताला ने नसीब किया, दो बार मैं रियाजुल जन्ना में गई, और बहुत मैं खुद को लकी समझती हूँ, और उसके आने के बाद दिल में और तड़प इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब दिल करता है बस बंदा जाए और वहीं का होकर रह जाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल बकी में जगह दे, अल्लाह वहाँ पर जाना बार बार नसीब करे। मैं तो कहती हूँ कि बार बार क्या, अल्लाह ताला मुझे वहीं पर रख ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। ये नात थी, होपफुली आपको ये नात अच्छी लगी होगी, और मुझे बहुत अच्छी लगी है, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये नात किस तरह की लगी है, और आप किस किस की ख्वाहिश आ जाने की, वैसे तो सबकी ही होती है मुसलमानों की, अल्लाह ताला आप सबको ज़्यारत करवाए वहाँ जाने की, और हम सबको बार बार वहाँ पर बुलाए, और बहुत अच्छी नात थी, होपफुली आपको ये नात अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और लाइक कर दे मेरी वीडियो को, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और जो आप रिकमेंड करते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाती रहूंगी और रिएक्शन करती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।